हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है तो मे बी कुछ आपसे रेजोनेट हो, कुछ आपसे रेजोनेट नहीं भी होगा। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वीवर्स, उसे एक क्लेम ज़रूर करें, यूनिवर्स को उसके लिए ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिए। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड रिवर्स हमारे पास आता है हीलिंग का, स्टोन, पर्सनल इश्यूज, कंक्लूजन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द रियल वर्ल्ड। ओके, तो ये हैं रिवर्स कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से। कर्क राशि यहाँ पे निकल के आई है विद मून साइन, तो किसी का मून साइन यहाँ पे कर्क में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, राइट नाउ व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी गाइस कुछ इस तरह की फील हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में यहाँ पे चल रही हैं, आपके पर्सन मतलब नज़र आ रहा है जैसे उनको झेल झेल के, उनको फेस कर करके बहुत फेडअप वाली एनर्जी में आ चुके हैं। जैसे होता ना कि एग्जॉस्ट हो जाना और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाना और कहीं ना कहीं संभाल पाना सिचुएशन को टफ होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हाँ ये ज़रूर है, इस पर्सन की तरफ से जो एनर्जी मिली हुई दिखा रही है कि राइट नाउ आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो इन प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको पता है ये प्रॉब्लम अभी ऐसी हो गई है जिनको हम अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं पर रास्ता मिल नहीं रहा है ना। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे एक पॉज लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक तरह का पॉज ऐसा है जिसमें ये जो पर्सन है जैसे अपने माइंड को किसी तरह का पॉलिश करने की या शार्प करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एकांत तलाशना, एकांत में जाना और फिर सोचना कि हमारी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं या इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसको अवॉइड करके भी देख लिया गया है। ठीक है, अवॉइड कर लिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम कहते हैं कुछ घाव ऐसे होते हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ में बदल जाती है या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है या वो सिचुएशन वैसी नहीं रहती, लेकिन ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में ये जो कि तो बनी रही। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आए नहीं और ये वक्त के साथ में और ज़्यादा क्रिटिकल होती चली गई। जैसे कि जितना इग्नोर किया या जितना इसको संभालने की कोशिश की, ये जो इशू है आपकी लाइफ के अंदर ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, उतना ही प्रॉब्लमेटिक होता चला गया। और राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है, यस, आपके पर्सन बेशक आपके इस टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मे बी सही से बात ना कर पाना या फिर इस समय आपके आपको अवॉइड करना या आपको फेस करना पड़ रहा होगा। देखो, मे बी ये बात हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपका जो इशू है आपके कनेक्शन में, जो भी इशू है, देखो हर एक की लाइफ में पर्सनल इशू अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको एज सुन एज पॉसिबल कैसे रेक्टिफाई किया जाए या इसे कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि नज़र आ रहा है कि कंक्लूज़न यानी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है या उसको लेके जो भी आंसर आप तलाश रहे हो या जो भी एक आउटकम पे आप जो पहुंचना चाहते हो, ठीक है, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स उसी को लेके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा तीसरा एस्पेक्ट आपको मैं बता दूँ, वो एक और है अभी और कार्ड निकालने से पहले, कि अभी आपके पर्सन आपसे मे बी हाइड हो रहे हैं, छुप रहे हैं,
ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं, तो डजंट मीन कि आपके सामने नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी का इस यहाँ पे मिल रही है कि आपके पर्सन यस बहुत जल्दी आपके आपका सामना करने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं कुछ कंक्लूजन के साथ में, एक आंसर के साथ में, एक सॉलिड डिसीजन के साथ में, सो दैट दे कैन गिव क्लैरिटी, आपको एक क्लैरिटी दे सके। ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी भी गाइज यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। मे बी ये क्लैरिटी कुछ लोगों की लाइफ में, मुझे अब ये जो नेक्स्ट साइकिल आपका मून का स्टार्ट होगा, अभी हम देखें तो अभी एक अमावस्या आई, उसके बाद एक नया फुल मून आएगा। ठीक है, तो नियर बाय वन मंथ आप इस मान सकते हैं कि नियर बाय वन मंथ कुछ लोगों की लाइफ में लग सकता है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर या फिर आपके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये पर्सन इसी के ऊपर वर्क करते हुए मुझे राइट नाउ नज़र आ रहे हैं, और ये फिर आपके सामने आके सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये इस पर्सन का राइट नाउ का मुझे यहाँ पर मोटिव फील हो रहा है, और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके और क्या फीलिंग्स या भावनाएँ चल रही हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ मदद करें, प्लीज़ गाइड करें। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी आपके साथ में किस तरह से अलाइन है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, तो आपके कनेक्शन में व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट तो ज़रूर है। देखो टावर मोमेंट भी आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा है कि यस मे बी कोई चीटिंग हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो छुपी हुई हों, सडन सामने आ गई हों, है ना, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी एक टेंस एनर्जी, डिप्रेसिव एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूवर्स आई थिंक सो इसी प्रॉब्लम के बारे में ही यहाँ पे सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें या कैसे हैंडल करें। क्योंकि इस प्रॉब्लम के ऊपर जितना भी सोचा गया या जितना भी वर्क किया गया, सिचुएशन वर्स्ट पे वर्स्ट होती है यहाँ पे चली गई। तो ये जो आंसर व्यूवर्स ये आपके पास मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी आपको ये आंसर मिलने वाला है। मे बी जो अपकमिंग अब ये फुल मून है उस पे आंसर आपको मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि जजमेंट एनर्जी गाइज ये दिखा रही है समवेयर देर इज़ अ गुड न्यूज़ और अ न्यूज़। ठीक है, किसी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी के लिए सिर्फ एक जस्ट एक न्यूज़ हो सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कोई न्यूज़ आपकी तरफ मुझे बहुत स्ट्रांगली आती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। मे बी जिसका आपको इंतज़ार है, मे बी इस पर्सन के डिसीजन का कि मे बी थर्ड पार्टी को चुनेंगे या फिर आपको चुनेंगे, ये इस पर्सन का क्या फैसला रहेगा, ये इस कनेक्शन को लेकर क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेके ही है कि वो आपके रिलेशनशिप को लेके क्या चाहते हैं, क्या नहीं सोचा है उन्होंने, मतलब क्या डिसाइड किया है कि वो आपके साथ में पैचअप करेंगे, रियूनियन करेंगे आपको। आपके लिए व्यूवर्स इस पर्सन के मन में क्या है ये आपको आपके पर्सन बताने वाले हैं। अगर एज़ पर कार्ड अगर हम देखें तो दिस न्यूज़ कैन बी ए गुड न्यूज़ फॉर यू, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ पे आपके पार्टनर का पैचअप, रियूनियन, हारमनी यही यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो सिक्स नंबर आपके लिए यहाँ पे मे बी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन आपको लेके लिया है राइट नाउ की एनर्जी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, यानी कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले समय में यहाँ पे होंगी। ठीक है, और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके और क्या है। ओके ओके, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ये एनर्जी गाइज मुझे ये भी दिखा रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे ये सिचुएशन में यहाँ पे स्टक हैं, जहाँ पर इनको दो में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, मे बी कोई अनदर पर्सन जो भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब कि ये किसके साथ में आगे बढ़ें, किसके साथ में मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करें, या किसके साथ में इनका जो कनेक्शन है वो सिक्योर रह सकता है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स अभी राइट नाउ ऐसा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में किसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट होना है, किसके साथ में इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि ऑलरेडी इस पर्सन के पास में अगर देखा जाए कि काफ़ी अभी आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में कनेक्टेड हो, लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ और एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में चाहिए, कुछ और इस पर्सन की मुझे राइट ना उम्मीदें नज़र आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाती है इस पर्सन का अभी कुछ साइकिल या कुछ उम्मीदें या कुछ एक्सपेक्टेशन जो भी आप कहें वो इनकम्प्लीट है। अपनी लाइफ में सब कुछ होने के बाद में भी ये पर्सन अपने आप को अधूरा सा महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये अधूरापन ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है।
आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये आपकी यादों में, आपके थॉट्स में ये पर्सन मुझे राइट नाउ गुम नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन के मन में एक्चुअल में आपको लेके चल कह रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनका जो ये माइंडसेट है आपको लेके और क्या कहता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। नाइन ऑफ सोर्ड, काफ़ी टेंशन है इस पर्सन को, ये इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। और दूसरा व्यूअर्स, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये कि राइट नाउ अभी जो आपका एक नेचर बिहेवियर इस पर्सन को लेके थोड़ा सा रूड सा हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, या फिर आपके अंदर इस पर्सन की आपसे इस पर्सन की जो राइट नाउ की एनर्जी वो ये दिखा रही है, ये पर्सन आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे नज़रें मिला पाने इस पर्सन को थोड़ा सा डर को भी क्रिएट कर रहा है कि मैं उससे कैसे बात करूं या उसे कैसे मैं डील करूं, है ना। आपको डील कर पाना राइट नाउ उस पर्सन के लिए मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसी को लेके ये पर्सन को टेंशन हो रही है कि यार मैं उस पर्सन को फेस तो करूँ तो कैसे करूँ। वो आपको फेस करना चाहते हैं और वही हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो अवॉइडेंस की एक वजह यहाँ पर आपको जो फेस ना कर पाने की वजह, वो आपका एक थोड़ा सा इस समय का बिहेवियर भी नज़र आ रहा है। चलिए उनके चैनल मैसेज देखते हैं आपको लेकर राइट नाउ क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं रिव्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के टू चैनल मैसेज क्या है। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ये देखो वही हमने देखा अभी यहाँ पे कि वो आपसे डर रहे हैं, और डर का ही पहला कार्ड आपके लिए आ गया, तो यानी आप उनके लिए एक समय, इस समय पर्टिकुलर कैसे पर्सन बन गए हो जिससे वो बात करने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, बात कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं, किस तरह से आपको फेस करूं, क्या क्लैरिफिकेशन दूं, ऐसा क्या बोलूं कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को यहाँ पे परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, इन्होंने आपके बारे में, मे बी आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से पूछा है, बात करने की कोशिश की है कि भाई उनका इस समय एटीट्यूड कैसा है, मेरे बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं, क्या वो मुझे याद करते हैं, ठीक है, मेरे बारे में अगर बात होती है तो क्या बात होती है, अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, आई थिंक यू आर लाइंग, आप उनको लग रहा है कि आप कुछ बातें उनसे झूठ बोल रहे हो, तो मे बी आपने कुछ बोला होगा, मे बी अपने आपके फ्रेंड्स ने उनको कुछ ऐसा बताया होगा जो कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, उनका दिल मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। आई स्लिप लेस, आई एम स्लिपिंग विद समवन एल्स, तो कोई कनेक्शन तो यहाँ पे है इनकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा नहीं है ये कोई कनेक्शन ना हो, तो एनर्जी वाइज ये दिखा रही है कि हाँ कोई है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है। डजेंट मीन कि वो किसी के साथ में स्लिपिंग में हो या ना हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन यहाँ पे ज़रूर है। इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की पर भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आपको लेके बेचैन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, और इस बात का भी व्यूअर्स, इनको डर देखो किस बात का, डर यहाँ पे नज़र आता है क्योंकि इस पर्सन ने अपनी जो बाउंड्रीज थी एक कनेक्शन में जो होनी चाहिए ट्रस्ट को लेके, वो इस पर्सन ने ब्रेक कर दी। अब इस पर्सन ने किसी के साथ में भी कनेक्शन बनाया, किसी को चूज़ करा, किसी के साथ में कनेक्ट हो गए, तो ये आपको फेस करने में इसलिए भी डर रहे हैं कि आपको मे बी ये सब चीज़ें पता है, तो वो आपको इस चीज़ का क्या आंसर देंगे, है ना, तो ये भी डर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन के अंदर राइट ना आपको लेके बहुत सारा डर है, बहुत सारी बेचैनी है, ये आपको फेस करते हुए यहाँ पे मुझे घबराते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम की एनर्जी गाइज हमारे पास आई नियर बाय, ठीक है। जो भी साइकिल मैंने मून साइकिल आपको बताया, उतना टाइम आपको यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आंसर मिलने में लग सकता है, ठीक है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।